lights, camera and action. तो कैसे हो सारे guys? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत fantastic हूँ, जैसे कि मैं दिख रही हूँ. तो welcome to my first haul video. तो आज की video है सरोजनी नगर market haul पे. I hope आप सब सरोजनी market तो गए होंगे, तो आपको एक्साइटमेंट भी हो रही होगी कि अभी क्या आया हुआ है मार्केट में, कितने अच्छे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, क्या क्या कपड़े आए हुए हैं, ट्रेंड में क्या चल रहा है, और बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे ना. तो गाइस मेरे दिमाग में भी ना बहुत सारे आइडियाज आ रहे थे कि मार्केट में क्या आया होगा और मुझे क्या पहनना चाहिए, ट्रेंड में क्या चल रहा है. तो मैंने सोचा मैं जाके एक्सप्लोर कर लेती हूँ और आपके लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो में आके सब कुछ बता दूंगी कि मार्केट में क्या आया हुआ है. और गाइस मैं तो चाहती ही हूँ कि आपकी ना ज़्यादा मेहनत ना लगे, तो इसलिए ना चलते हैं पहली आउटफिट की तरफ. तो गाइस ये है मेरी पहली आउटफिट. मैंने ना बहुत सारी जगह देखा था कि सब लोग कॉर्सेट 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 खरीद रहे थे, तो मैंने सोचा एक कॉर्सेट मेरे पास भी होना चाहिए. तो ये है मेरी पहली आउटफिट जो कि आपको दिख जाएगी. और ये येलो कलर में इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी ना, एकदम मल्टी कलर, कैमरा में कलर्स इतने अच्छे आते, एकदम परफेक्ट. आई होप आपको बहुत अच्छी लग रही होगी. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसमें बहुत अच्छा और प्यारा सा प्रिंट है. ये जो लिखा हुआ है नेवर माइंड, मैंने आज तक पढ़ा भी नहीं है, बट हाँ आई लव इट. मुझे तो बहुत अच्छी लगी आउटफिट. तो गाइज ये आउटफिट मुझे लगता है आप लोग को पसंद आएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया. कॉर्सेट मार्केट में बहुत ज़्यादा थे, कलरफुल थे, बट मुझे कुछ ऐसा चाहिए था और मैंने ये किसी शॉप से लिया है, बाहर से नहीं लिया, मतलब जो स्टॉल्स लगाते हैं उधर से नहीं मिला था ये मुझे. तो दुकान वाले ने कहा था मुझे 800 रुपीज़, बट मैंने बहुत ज़्यादा कहा, उस दुकान वाले ने बार्गेन तक नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों. तो उसने एट लास्ट जाके मेरे को 700 का ये पीस दिया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने कई वीडियोज़ में पहन भी लिया, जिसका कलर बहुत प्रिटी आया बहुत ज़्यादा. तो आई होप आपको अच्छा लगा. तो आई गेस आपको भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर पहुँचते हैं नेक्स्ट आउटफिट पे. तो गाइज मेरी सेकेंड आउटफिट है. आउटफिट क्या है एक्चुअल में, वो टॉप्स हैं, मैं दिखाती हूँ आपको. मैं ये दो टॉप लेके आई हूँ, एक ये येलो कलर में है, मतलब काइंड ऑफ लेमन, और एक ये वाला. और ये मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ के. आई एम सो ग्लैड कि 100 रुपये में भी कुछ मिल सकता है सरोजनी में. मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे क्योंकि ये ना थोड़े लुक अच्छे से देखते हैं, एकदम स्लिम लगते हैं इन कपड़ों में, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. और साथ में मैं शॉर्ट्स भी लेके आई, वाइट शॉर्ट्स. सरोजनी मिलना इट्स इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल, मिलते ही नहीं है यार. मैंने वाइट स्कर्ट्स ढूंढी, शॉर्ट्स ढूंढे, हर बार जाती हूँ कभी कुछ नहीं मिलता, बट इस बार मैंने कर दिखाया और मैंने वाइट शॉर्ट्स और स्कर्ट दोनों लेके आई हूँ. तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाइट शॉर्ट्स भी मैं लेके आई हूँ और ये एक ही शॉप से मैंने लिया था, मतलब टॉप अलग शॉप से लिया था, ये शॉर्ट्स अलग शॉप से लिए मैंने. ये एक ब्लैक ली थी मैंने और एक ये ब्लू. आई लव इट, ये ब्लू वाला तो मेरा फेवरेट है. मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया इसे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा. इसके साथ कोई भी टॉप चला जाता है, आई लव इट. इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी, भैया ने तो मुझे कहा था 250, बट मैंने बार्गेन करा के एक शॉट 200 में ही आ पाया, क्योंकि इससे नीचे तो यार कुछ देते ही नहीं है 200 पर शॉट. तो मैंने ये तीनों शॉट्स ले लिए, आई लव इट. तो चलो मैं ट्राई करके दिखाती हूँ. ये फिटिंग आई है शॉर्ट्स की और टॉप की. मुझे टॉप थोड़ा स्पोर्टी लुक दे रहा है, बट हाँ इट्स नाइस. और हाँ ये शॉर्ट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसकी फिटिंग इतनी प्यारी आई है, आई जस्ट लव इट. और इधर पता है जिप की जगह इन्होंने बटन्स दिए हैं, वो भी बहुत कम्फर्टेबल है और बहुत अच्छे लगे हैं. और जिप की हमेशा परेशानी रहती है कि वो ख़राब हो जाती है क्या, बट नहीं, इसका बहुत अच्छा स्टफ है, आई लव इट. रफ पैटर्न इसका बहुत अच्छा है, बट हाँ मुझे इसमें एक कमी लगी कि इसकी जो पॉकेट है वो यहाँ से देख रही है, बट इट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ता है. 200 रुपीज़ में अगर मुझे इतने अच्छे शॉर्ट्स मिल रहे हैं, उसकी इतनी अच्छी फिटिंग आ रही है, ऊपर से टॉप 100 रुपीज़, यू कैन इमेजिन 300 में मेरा पूरा आउटफिट डन हो चुका है. तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसका स्टफ थोड़ा सा थिक है, बट हाँ इट्स फाइन, अच्छा लग रहा है. सो गाइज दिस इज़ अनदर टॉप जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है. आपको पता नहीं कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आपको ये 100 रुपीज़ वाले टॉप्स कैसे लगे, मुझे बहुत अच्छे लगे. तो चलते हैं अब नेक्स्ट आउटफिट पे. तो गाइज आप मुझसे ये मत पूछना क्यों मैंने वूलन आउटफिट पहना है. ये वूलन भी नहीं है और ये समर वाला समरी लुक भी नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका जो स्टफ है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टफ वूलन का है. और ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अर्ली विंटर्स में ऐसे टॉप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि अगर हमको बाहर कहीं जाना है और आपको ठंड भी लग रही हो, माइल्ड सा मौसम, तो आप ये पहन सकते हो. और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है, बहुत प्यारा लुक दे रहा है. आप देख सकते हो इसका बैक कैसा है,
ये बहुत ही कंफर्टेबल है और मैंने इसको पेयर अप किया है अपने ब्लैक शॉर्ट्स से जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई गेस आप इसे किसी भी जीन्स के साथ पेयर अप कर सकते हो, ब्लू ब्लैक या वाइट कुछ भी, सब कुछ अच्छा लगेगा। और ऐसे ऐसे मैंने और भी टॉप्स लिया और इसके कॉस्ट अगर आप सुनोगे आप सोचोगे कि इतना अच्छा स्टफ, इतना अच्छा टॉप आपको इतने में कैसे मिला। इट्स ओनली ऑफ 80 रुपीज, है ना? शॉक हो गए ना आप भी? मैं भी शॉक हो गई थी यार, मैंने 80 रुपीज में कम से कम 4 या 5 टॉप ले लिए। और मैं अभी आपको बारी बारी बदल के दिखाती हूँ कितने प्यारे प्यारे टॉप है, जिसमें से एक ये था, मुझे बहुत पसंद है। आप कमेंट करके बताओ आपको ये कैसा लगा, मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये टॉप। तो गाइस आफ्टर ऑल द सस्ता टॉप, अनदर सस्ता टॉप इज हियर। ये भी है गाइस सिर्फ 80 रुपीज का, मैंने थ्रेड स्टॉक में से सारे मैंने 80 वाले टॉप उठा लिए ना, कि मुझे समझ नहीं आ रहा यार मैं कितनी खुश हूँ ना। आपको मेरी शक्ल से दिख रहा होगा मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, मैं इतने सस्ते सस्ते टॉप उठा लिए। कौन इमेजिन करेगा कि सरोजनी मार्केट में इतने अच्छे टॉप मिलते हैं यार, यू कैन सी दैट कि कितना प्यारा टॉप है। और हाँ, ये जो जीन्स आपने देखा है, ओह माय गॉड, मैंने स्टैक तक नहीं हटाया यार, शिट। खैर छोड़ो, आप स्टैक को इग्नोर करो। तो ये जो जीन्स आप देख रहे हो, ये बैगी काइंड ऑफ बैगी जीन्स है, तो ये मुझे सिर्फ पड़ी है 500 की, उन्होंने कहा था 550। और मुझे एक और टॉप पसंद आया था उसी शॉप पे, वो था 350 का, बट उन्होंने 300 किया, इससे ज़्यादा कम करते ही नहीं है। पता नहीं आजकल हो गया क्या है यार, बार्गेन ही नहीं करते वो लोग। तो वो टॉप भी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी दिखाती हूँ। ये टॉप जब डमी पे लगा था मुझे इतना प्यारा लग रहा था, बट यहाँ लाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा इसको पहनते कैसे है। मैंने मम्मा को दिखाया तो उन्होंने पता क्या कहा, यार इसमें 1 मीटर कपड़ा भी नहीं है, कैसे पहनेगी, नहीं पहनना ये टॉप। मतलब सीरियसली यार, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा इसको पहनेंगे कैसे। कोई बात नहीं, हम फिगर आउट करके दिखाएंगे, खैर अभी नहीं, बाद में, फिर कभी। बट हाँ, शॉल मैं ये अगली वीडियो में जरूर पहन के आऊँगी। तब तक के लिए मैं बता देती हूँ, ये है 300 रुपीज का, 350 का उन्होंने कहा था और मुझे 300 में उन्होंने दिया है। प्लस में ये जीन्स मैंने उसी शॉप से ली थी, ये 500 की मुझे पड़ी है, जो कि मुझे लग रहा है फिटिंग इसकी इतनी प्यारी आई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। और ये हर टॉप के साथ जा रहा है, मुझे लगता है पैसा वसूल है यार। और एक और टॉप, वो भी सिर्फ 80 रुपीज। कैसा लग रहा है गाइस, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैंने सारे कलर सेम लिए, बट हाँ पैटर्न और डिज़ाइन सबका अलग है। और मुझे ये भी थोड़ा ये अर्ली विंटर वाला स्टफ लग रहा है, क्योंकि ये देखोगे तो आप ध्यान से, ये थोड़ा सा मोटा है। और हाँ, इट्स नाइस, इट्स ओवरऑल बहुत अच्छा पीस है। ये देखो डिज़ाइन इसका, यहाँ से जो नेक का पैटर्न है मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो गाइस फाइनली मेरे कबर्ड में एक ऐसा टॉप भी है जो ऐसा कुछ दिखता है, इतना प्यारा नेक वाला और आके जिप है, इतना प्यारा टॉप मुझे सिर्फ 80 रुपीज़ में मिला है। मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना बताते हुए भी कि मैं इतने सस्ती खरीदारी करके आ गई, सीरियसली। और खैर, ये जो जीन्स मैंने पहनी है इसके साथ ये सब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरी एक ही जीन्स मेरे हर टॉप पर चल जाएगी, तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इनके साथ, इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे आइडियाज़ निकाल के आऊँगी और मैं बहुत अच्छा अच्छा रेडी होके आऊँगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉप पे। गाइस ये टॉप तो बहुत प्यारा है, इसका डीप लाइन नेक है और साथ में बैक भी इसकी थोड़ी डीप है, तो आई गेस जो मैंने पहना है अंदर इनर वो चलेगा नहीं, इसके बदले हमें पेस्टल्स ट्राई करने पड़ेंगे और आई गेस पैड्स जो आते हैं वो लगाएंगे, तो आई गेस सही अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा लुक ओवरऑल, तभी पता चलेगा। और अभी फ़िलहाल तो जो इनर दिख रहा है उसको एडजस्ट ही करना पड़ सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। पर हाँ, इसका लुक आप देख सकते हो कितना प्यारा है, आगे जो क्रिस क्रॉस बन के आया है वो बहुत अच्छा लग रहा है, और बैक में भी सेम क्रिस क्रॉस जा रहा है बैक तक, इट्स काइंड ऑफ बैकलेस, नॉट बैकलेस बट हाँ थोड़ा सा डीप है, बट मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये लुक। बाद में मैं इसको अलग ब्रा के साथ कॉम्प्लीमेंट करूँगी तो शायद मुझे बहुत प्यारा लुक देगा ये 80 रुपीज़ में, और क्या ही इमेजिन कर सकती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके मुझे नीचे बताइए। तो गाइस कैसे लगे आपको मेरे सरोजनी वाले आउटफिट्स? तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप जल्दी से जल्दी जाके मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, मीशो पे, मिंत्रा, अमेजोन, कौन सी हॉल वीडियो चाहिए, या फिर आपको चाहिए राखी स्पेशल ऐसा कुछ। पर हाँ, सरोजनी से करेंगे यार, यही हमारा मिशन रहेगा कि सरोजनी में और क्या क्या मिलता है एक्सप्लोर करेंगे। आई थिंक अंडर 500 में हमने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ट्राई करे हैं, और आपको और कैसे कपड़े चाहिए आप प्लीज़ मुझे बताओ। और राखी स्पेशल में तो पता नहीं क्या ट्रेडिशनल एथनिक वेयर हम लोग लेके आएंगे सरोजनी मार्केट से। आपको भी यार बहुत क्यूरियोसिटी हो रही होगी जानने की कि यार क्या कैसे कपड़े आते हैं,
तो प्लीज़ आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो और बताओ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और आपको ऐसी वीडियो और चाहिए या नहीं चाहिए। तो प्लीज़ जल्दी से जाके लाइक कमेंट शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लीज़ 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 सपोर्ट।